और बेहतर चीज दिखाऊं आप लोगों को, आज तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी भाई, जब देखी होगी तो मुझे तो नहीं पता। हाँ बट मैं सर बता सकता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये क्या है, वाइनियर का प्लेयर है। अब देखो इसके मजे क्या है, ये देखो भाई। तो भाई BMW टाइप की जो चाबी होती की, स्कॉर्पियो S5 की बेजिंग आती है S11, ये देख सकते हो आप। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। भाई बहुत दिनों के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे चैनल पे ब्लॉग आ रहा है। पहली चीज तो ये गाड़ी हम लोगों ने आज से 10 दिन 12 दिन पहले ही पूरी कंप्लीट कर दी है। पहली चीज तो S5 वेरिएंट रहने वाला है, और अगर गाड़ी की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो रहने वाली है, जो आज के जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस गाड़ी है, जो पसंद होना चाहिए वो ये गाड़ी रहने वाली है। तो इसमें जो जो मॉडिफिकेशन कराया, एकदम गाड़ी जब स्टडी में आई थी सिंपल सी थी, ज्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं था, मतलब भैया ने कुछ भी नहीं लिया था इसमें, एक अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराना चाहते थे, S5 वेरिएंट लिया था। बट इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस हिसाब से वो गाड़ी बनाना चाहते हैं, अपने सपनों की गाड़ी जो होती है, इन चीज़ों के लिए क्या होता है, बंदे को सबसे पहले तो कोई ऐसा वेरिएंट खरीदना होता है जिससे वो अपने मनपसंद गाड़ी तैयार कर सकते हैं। तो भैया ने S5 गाड़ी ली। भाई मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ स्कॉर्पियो, आप देख सकते हो गाड़ी किस प्रकार से तैयार हुई है। बहुत जगह से वीडियो आते हैं स्कॉर्पियो के, आप लोग चेक भी करते हो, आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते हो, जितने भी स्कॉर्पियो लवर्स हैं सारे लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद में अपनी गाड़ी अपनी मनपसंद से गाड़ी को तैयार करते हैं। हम लोगों ने सिंपल से गाड़ी तैयार करने की कोशिश करी है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जो सिंपल सोबर होना चाहिए। ब्लैक स्कॉर्पियो काफ़ी, बहुत सारे लोगों को ब्लैक कलर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पसंद होता है, मतलब बता ही नहीं सकते यार। तो देख सकते हो सबसे पहले चीज़ तो इसमें देखो, ऑल न्यू स्कॉर्पियो करके इसमें बेहतरीन। यहाँ पर अगर ग्रिल की बात करें तो ये जो ग्रिल है इसमें आप तो एक OEM वाली भी लगा सकते हो जो ओरिजिनल होती है, बट जिस चीज़ की नीड थी वो काम करने का मजा एक अलग हो जाता है। इसमें देख सकते हो हमने जो ऊपर से छल्ले लगाए हुए, अलग अलग छल्ले आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहे हैं, ये छल्ले लगाए, इससे बेहतरीन इसका एक लुक निकल के आ जा रहा है, S11 वाला जो लुक होना चाहिए। और ज़्यादातर क्या होता है S11 में है अंदर से लगी हुई रहती है, ये प्रॉपर बाहर से जो फिट होना चाहिए वो इसमें फिट करी गई है। इससे क्या है, गाड़ी ब्लैक कलर की है, ये क्रोम फिनिश, ये क्रोम फिनिश, और ये ग्रे कलर बेहतर होता है, ठीक है। वहीं पर इसमें फॉग लैंप भी नहीं थे इस गाड़ी में, हाँ ये कंपनी ने दिया हुआ है पहले से। फॉग लैंप की अगर बात करें तो ये फॉग लैंप इसमें अंदर नहीं था, और ये जो बेजल की बात करें क्रोम वाला, S11 में ये यहाँ तक के देखने के लिए मिल जाता है, हमने इसको प्रॉपर कवर किया है, ये इसमें हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इसमें जो ओरिजिनल फॉग लैंप होते हैं वारंटी वाले, वो भी इसमें हमने इंस्टॉल करे, पगर वायरिंग डिसकनेक्ट करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को मार्केट में अगर अच्छी जगह से काम कराओगे तो कपलर वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, ये हमने इसमें बिल्कुल इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे अच्छी बात इसमें एक और बेहतर चीज़ जो है, गैलियो कंपनी की ओरिजिनल जो क्रोम है, ये जो ब्लैक पियानो फिनिश में जो क्रोम होती है वो इसमें इंस्टॉल की हुई है, चेकआउट कर सकते हो आप। ज़्यादातर क्या होता है इसमें, अगर लोगों को जो क्रोम देखे होगा आपने तो सिल्वर कलर की भी देखने के लिए मिलती है, इसमें हम लोगों ने ब्लैक पियानो फिनिश में जो होता है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर S11 की बात करें तो उसमें आप लोग को हेडलाइट भी प्रोजेक्टर वाला देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर देखोगे तो इंडिकेटर भी देखने के लिए नहीं मिलता है, अंदर से जो यहाँ पर है DRL वो DRL आती है, ये सारी चीज़ें S11 के हेडलाइट में होती है। बट ये S5 वेरिएंट है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, हम जैसे जैसे गाड़ी दिखाएंगे आप लोगों को गाड़ी का एक अनुभव अच्छा मिलेगा। अगर आप लोगों के पास भी S5 वेरिएंट है, ये हेडलाइट भी चेंज करा सकते हैं, ये कॉस्टिंग जो डे बाई डे रेट होता है उसके हिसाब से रहता है, ये हेडलाइट भी आप चेंज करा सकते हो। बट जहाँ पर ये गाड़ी है, जहाँ पर रहते हैं, इन लोगों को प्रोजेक्टर की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, तो हम लोगों ने इसमें प्रोजेक्टर का काम कुछ भी नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर जो पुलिस लाइट होती है वो इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पर पुलिस लाइट हम लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, एक नाइट मोड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इसमें, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। और अंदर हॉर्न भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, जो इसका हॉर्न आता है S5 में पिक पिक वाला, वो आप लोगों ने देखा हुआ, हमने इसमें क्रेटा वाला जो होता है पोपो वाला वो इसमें इंस्टॉल किया हुआ। फ्रंट में ये सारी चीज़ें हैं, बेहतर ब्लैक स्कॉर्पियो तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। अब चलते हैं अपन साइड प्रोफाइल में और दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल में क्या हुआ है। सबसे पहली चीज़ अगर आप टायर देखो तो अभी भी कंपनी का टायर ब्रिजस्टोन का लगा हुआ है, और व्हील कवर भी इसमें बिल्कुल कंपनी का है, इसमें अभी अराइवल का प्लान है। इसके दो पार्ट आएंगे, एक तो पहला पार्ट है, इसके बाद में जो एक और इसके बाद में जो कंप्लीट होगी, तो दो पार्ट में गाड़ी आएगी। पहला आप अभी देख लो, इसके बाद जब तैयार होगी उसके बाद में एक बार हम और आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अराइवल देखने के लिए जरूर मिलेगी, उसके बाद भी गाड़ी कैसे दिखती है ये हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, S11 में क्या होता है यहाँ पर पूरा पैक आता है, ये इंडिकेटर नहीं होता है यहाँ पर, तो ये इंडिकेटर अभी हम लोगों ने इसको कवर नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी BMC कवर देखने के लिए नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये भी अभी सिंपल सा है, जिसमें ये BMC कवर हो जाएगा तो एकदम S11 का जो लुक है वो आ जाएगा। इसके ऊपर सिर्फ हम लोगों ने क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है। साथ ही फुटरेस की अगर बात करें तो S11 में यहाँ पर आप लोगों को पैक मिलता है, और ये पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका भी पेंट जॉब बाकी है, इसमें भी पेंट जॉब करेंगे, तो ये क्या एकदम साइड प्रोफाइल से पूरे S11 गाड़ी लगने लग जाएगी, ठीक है।
डोर वाइजर कंपनी ने इंस्टॉल करके दिए, अगर आप आफ्टर मार्केट भी चाहो तो बिल्कुल मिल सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं, यहाँ पर बीएमसी कवर आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये देख सकते हो आप लोग, ये जो क्रोम है गार्निश वो इंस्टॉल की हुई है। दूसरी चीज़ आप अगर हैंडल देख सकते हो, अगर पास से अगर देखोगे तो हैंडल इस पियानो ब्लैक फिनिश में और इसमें कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। S5 वेरिएंट है, इसमें हमने गेलियो का जो हैंडल क्रोम होता है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अंदर जो है इतनी फिनिशिंग वाला आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अंदर की अगर बात करूँ तो ये इस टाइप का इसमें कलर देखने के लिए मिलता है, तो उसको ब्लैक पियानो फिनिश में करने के लिए हम लोगों ने इसमें जो गेलियो कंपनी के जो मैं क्रोम बताई थी आप लोगों को ब्लैक में, वो इंस्टॉल की हुई है। अगर हम ऊपर की बात करें रूफ रेल की, तो रूफ रेल देख सकते हो, जो ओएम तो नहीं लगाई है, नट बोल्ट वाली हम लोगों ने प्रॉपर लगाई है, मगर हेवी क्वालिटी में लगाई है। आप खड़े होकर आसानी से देख सकते हो, आसानी से गाड़ी हिलाना चाहो गाड़ी पूरी हिल सकती है, पर इसको कुछ नहीं हुआ। तो ये हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। छोटे छोटे सेफ्टी के लिए डोर गार्ड भी इंस्टॉल किए ब्लैक कलर में। अब आते हैं गाड़ी में बेक प्रोफाइल में और देखते हैं बेक प्रोफाइल का क्या लुक आ रहा है। फिर से एक बार बेक प्रोफाइल में अगर आप लोग देखोगे, थोड़ी सी क्या ब्लैक कलर है यार, धूल धूल हो जाती है गाड़ी पूरी। ब्रेक प्रोफाइल की बात करें तो भाई गाड़ी में सबसे पहले चीज डी व्हीलर देखती है पब्लिक। धूल के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी गाड़ी ब्लैक कलर की है तो दिक्कत हो जाएगी। देख सकते हो ये डी व्हीलर इंस्टॉल किया हुआ है, बिल्कुल करवा सकते हो अगर आपके पास S5 है तो, है ना। हम लोग तो बिल्कुल क्या है, S5 ला के दीजिए, S11 कन्वर्ट बिल्कुल करके देना हमारा काम है, हम जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल प्लेन ब्लैक आता है, उसके ऊपर क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, ये भैया की पसंद थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी। यहाँ पर ऑल न्यू स्कॉर्पियो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर भी हमने बैजिंग चेंज करी हुई है। यहाँ पर आप चाहो तो कार चेंज करा के यहाँ पर आप रियर वाइपर लगा सकते हो, बिल्कुल ऑप्शन है, बट भैया की अभी ऐसी कोई नीड नहीं थी तो इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया। स्पॉयलर की अगर बात करें तो स्पॉयलर ये देख सकते हो, मतलब OEM S11 की बात करें तो बिल्कुल यहाँ लाइट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, अंदर छेद वगैरह होके बिल्कुल फिट हो जाता है, वो वाला भी मिल जाएगा आप लोगों को, भैया की नीड नहीं थी। अभी तक के जितने भी स्पॉयलर आप लोगों ने आफ्टर मार्केट देखे होंगे सिर्फ ये लाइट वाले देखे होंगे, हम लोगों ने ये देखो यहाँ से यहाँ इतना बड़ा लाइट वाला लगाया हुआ है, देख सकते हो ना। और पीछे भी यही जो गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा है ये ब्लैक वाला इतना ज़बरदस्त लग रहा है। आप यहाँ पर चाहो तो रिफ्लेक्टर भी लगा सकते हो, एक पीछे सेफ्टी के लिए जो बम्पर आता है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी में S11 के लिए जो चेंजेस होते हैं, कितना ज़बरदस्त मज़ा आता है स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में। अब आते हैं गाड़ी में अंदर इंटीरियर का जो धमाका बचा हुआ है लास्ट में, जो काफ़ी ज़्यादा भैया ने सबसे ज़्यादा जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं साउंड पर। तो आइए चलते सीधे गाड़ी में अंदर, उसके बाद में दिखाते हैं अंदर कितना ज़बरदस्त काम। तो भाई जैसे ही गाड़ी में आप अंदर बैठोगे तो क्या ही बता दूं मैं आप लोगों को यार, जय श्री भोले बाबा। सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, बहुत ज़्यादा इन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें स्पीकर की अगर बात करेंगे तो स्पीकर 4 पायनियर कंपनी का इंस्टॉल हुआ है, स्टीरियो पायनियर कंपनी का है, सोनी कंपनी का टू चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है और एक बूफर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें अंदर में हम लोगों ने इंस्टॉल करी। और मैं क्या और बेहतर चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, आज तक के आप लोगों ने नहीं देखी होगी भाई, और देखी होगी तो मुझे तो नहीं पता, हाँ बट मैं सर बता सकता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये क्या है, पायनियर का प्लेयर है। अब देखो इसके मज़े क्या है, ये देखो भाई ये इसके मज़े है ना। इसको आप चाहो जिधर चाहो, ये देखो मैं अभी इधर मस्त बढ़िया बाहर जा सकता हूँ, आसानी से ये बाहर बढ़िया निकल सकता हूँ, इसको जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकता हूँ मैं, जैसा आप चाहो। ये देखो टैबलेट ये इंस्टॉल किया हुआ, ये सबसे यूनिक चीज़ है भाई ये, मतलब जिस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया गया है साउंड को लेकर जो भैया ने खर्च किए हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर लगा। भैया ने जो सबसे अच्छा इन्वेस्ट करने का सोचा था ये चीज़ है भाई, बेहतर, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल अगर आप लोग स्कॉर्पियो है और इंस्टॉल कराना चाहते हो, ओरिजिनल कंपनी की चीज़ों में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल ये ऐसा लॉक हो गया, कम्प्लीट हो गया। अब ये देखिए स्टेयरिंग कवर ब्लैक कलर का इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये ब्लैक कलर के सीट कवर जो फुल ब्लैक होता है, क्योंकि गाड़ी का पूरा इंटीरियर ब्लैक रखना था हम लोगों ने, फुल इंटीरियर ब्लैक रखना था, ब्लैक 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 सारी गाड़ी करना था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या है, पूरी ब्लैक गाड़ी के चक्कर में सीट कवर का भी पूरा जो है ब्लैक ही सोचा था, है ना। और अंदर में अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब सीट कवर की फिनिशिंग है, फिटिंग है,
हम लोगों ने मतलब इस पर काफ़ी मेहनत करी है। अंदर ज़्यादा कुछ हमें भैया ने बोला था, इधर हमने बोला था लेदर वगैरह करने का, तो भैया ने बिल्कुल अभी ये सारी चीज़ें नहीं करवाने बोले। ठीक है, तो ये फिटिंग देख सकते हो भाई कितनी ज़बरदस्त दी हुई है ना, आप लोग भी देख सकते हो। और ये मतलब इटालियन लेदर है, उसमें इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लाइट वाली फुट स्टेप इंस्टॉल की हुई है, ये हल्की सी स्क्रेचेस नहीं है, पन्नी वगैरह लगी हुई है, तो ये हमने वाइट कलर की इसमें इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये हंस कंपनी की 70 मैट, ये देख सकते हो मतलब आगे से लेके पीछे तक के 70 मैट हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल की हुई है। नीचे भैया ही जो हर गाड़ी में जैसे देखते हो आप लोग क्वाइन वाला जो लेमिनेशन होता है, क्या होता है डस्ट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। भाई अगर इसकी चाबी की बात करें ना, तो ये देख सकते हो भाई BMW टाइप की जो चाबी होती की, ये हम लोगों ने बना के दिए भैया को, दोनों चाबी दी हुई। अभी तो भैया एक ही लेके आए, इसलिए हम एक ही दिखा सकते, क्योंकि ये गाड़ी का वीडियो जब शूट हो रहा है 10 दिन के बाद में, हम लोग भरोसा करते काम पर, है ना। ये देखो ये BMW टाइप की जो चाबी होती है, वो हमने इसमें फ्लिप वाली बना के दी हुई। इसके बाद में जिन भैया की गाड़ी है उनसे बात करते चल के। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। भैया मेरा नाम नमन वर्मा है, मैं बैतूल में रहता हूँ। बैतूल, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, सारी जगह गाड़ियाँ तैयार होती है, तो दूर दूर से बंदे लोग जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ तैयार करा के आते हैं। मतलब अपन टोटल गाड़ी का काफ़ी शौक है। वैसे नेचर से तो खेती बाड़ी में ज़्यादा अनुभव रखते हैं, मतलब अपन यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दुकान पर भी बना सकते थे, इसलिए बना रहे कि मैं खुद चाहता हूँ कि 10 से 15 दिन के बाद में आप लोग क्या क्या मतलब कहानी क्या आई निकल के जो अपन ने काम किया। भाई तत्काल में काम किया, हर चीज़ अच्छी लगेगी, कहीं से भी करवा लो। जैसे जिस दिन काम करा रहे हो, अपन कपड़े खरीदने जाएंगे तो नए कपड़े उसी दिन लगेंगे जिस दिन खरीदे अपन ने, पर अगर 15 दिन बाद में उन कपड़ों को अपन देखेंगे तो नए रहेंगे क्या। मैं इन चीज़ों के लिए मतलब वीडियो 10 दिन के बाद में हम लोग तैयार कर रहे हैं, 10 दिन के बाद में इसीलिए गाड़ी का वीडियो लेकर आ रहे हैं कि भैया बता देंगे अगर कुछ गलत हुआ होगा तो बिल्कुल बताएंगे आप। भैया ने बिल्कुल सही काम किया, जैसा 10 दिन पहले था वैसी आज भी दिख रहा है गाड़ी की प्रोफाइल। आगे की भी वारंटी है, कहीं दूर के तो है नहीं अपन, आसपास के आप तो कभी भी गाड़ी लेके आ सकते हो भाई। इसके बाद भी 6 महीने बाद भी इस गाड़ी का वीडियो शूट होगा ना, तो सारी चीज़ें मेहनत करी हुई, भैया ने ट्रस्ट किया। भैया कहीं बाहर काम कराने जा रहे थे, इंदौर जा रहे थे गाड़ी काम कराने, हमने यूट्यूब पे देखा था, फिर भैया का चैनल दिखा हमको भोपाल सीट कवर बैतूल, हमने सोचा इस बार भैया का मौका देके देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मतलब देख सकते हो आप जिस प्रकार से भैया ने हमें मौका दिया और हमने गाड़ी का काम करा, काम आप लोगों के पास में। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भैया आप भी बोल रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे क्या होगा आपको बिल्कुल हर बार कोई ना कोई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसी नई अगली और वीडियो में। जय जय भारत।